शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्ते, तुम चल रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं बाद में आ जाऊंगी, अभी थोड़ी यहाँ पर जरूरत है। आप मम्मी जी गुरु महाराज जी के यहाँ से वापस कब तक लौटेंगी? अब देखो कब तक इनका मन लगता है, लोग तो वहाँ पे महीनों महीनों रहते हैं। जल्दी वापस आ जाइएगा ना, बहुत याद आएगी। अरे बेटा बस यूं गए और यूं आए। अरे क्या गए और आए, अब इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ दिन तो वहाँ रहेंगे ना बेटा, वहाँ पर जाकर भगवान का ध्यान करना है। सदा स्वागत हो, ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप भी अपना ध्यान रखना। खुश रहो बेटा। चलो बड़ी। जीत लो। खुश रहो बेटी। खुश रहो बेटा। खुश रहो मंजी। भाऊजी आप लोग ध्यान से जाइएगा और पहुंचते ही फोन कीजिएगा। अरे बेटा वहाँ फोन शोन कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ जंगल पहाड़ों में गुरुजी का शिविर लग रहा है, और फिर हमें बताया भी नहीं, खाली यही कहा कि आप आश्रम में पहुंच जाइए, वहां से बस आपको ले जाएगी शिविर। आप भी ना। अरे अच्छा ये जो वहाँ पर फोन नहीं है, वरना लोग व्यापार की बातें करते, झगड़े फसाद की बातें करते। और हाँ बड़ी, वो जो दूध वाला है ना, उसने 1 लीटर दूध कम दिया था और उसका 1 लीटर दूध फट गया था, पैसे काट लेना भूलना मत। हाँ हाँ माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम सब संभाल लेंगे। अरे तुम दोनों के होते हुए मुझे क्यों चिंता होने लगी, सब सामान ऑटो में रख दिया ना? हाँ हाँ अभी रख दिया, आप चलो। अच्छा अच्छा बेटा, अब घर कितना सूना सूना हो जाएगा ना वैशाली। हाँ बहुत। शर्मा निवास की नीलामी अब शुरू होने जा रही है, जिन लोगों को इसे खरीदने में दिलचस्पी है उनके नाम लिख दिए गए हैं, जिनके नाम नहीं लिख दिए गए हैं उनको इस नीलामी में बोली लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सिन्हा, जिन्होंने इस मकान की कम से कम बोली 5 लाख रुपए लगाई है, तो जाहिर है ये नीलामी 5 लाख रुपए से ही शुरू होगी। तो बोली शुरू करते हैं, 5 लाख। तो नीलामी हो चुकी होगी ना, किसने खरीदा होगा हमारा घर? अब क्या फर्क पड़ता है किसने खरीदा किसने नहीं, हाँ क्या फर्क पड़ता है? Thank you.
दीदी, हमारा सोफा। कितनी बार कह चुकी हूँ अन्नी, ये घर, यहाँ की हर चीज अब उनकी है, अपनी नहीं है। अरे मैडम, आपके अंदर कुछ तस्वीरें पड़ी है बक्से में। आप उन्हें वहीं पे रहने दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है सर। चलो भाई। मिसेज नियति शास्त्री को भेजिए। सर वो आज भी ऑफिस नहीं आई है। क्या ऑफिस नहीं है? मिसेज नियति शास्त्री अभी तक ऑफिस नहीं आई है, चक्कर क्या है? यहां तक कि अपनी तनख्वाह लेने भी नहीं आई, फोन करो तो फोन भी नहीं उठाती, क्या है आइडिया? मैं उनके पति मिस्टर अंबर शास्त्री को फोन लगाता हूं। हेलो मिस्टर अंबर शास्त्री, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? आप? अरे भैया हमारा नंबर भी फोन से हटा दिया क्या? दुबे बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी से है। ओ दुबे जी, नमस्ते। नमस्ते। सॉरी मैंने बिना देखे फोन उठा लिया। कैसे हैं आप, मुझे कैसे याद किया? अरे भैया आपकी धर्म पत्नी मिसेज नियति शास्त्री ऑफिस नहीं आ रही है, चक्कर क्या है? ना कोई फोन, ना कोई इंटीमेशन, क्या बात है? उसने बताया नहीं आपको? नहीं। उसके पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। एक फोन तो कर सकती थी, एक एप्लीकेशन ईमेल कर देती। अरे भैया सरकारी नौकरी है। मगर नौकरी तो है ना, कोई मजाक तो है नहीं। आप अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करने के लिए भेजिए। अगर ये बात भूले भटके भी जाधव जी को पता लग गई ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। अंबर मुझे नहीं पता था कि आजकल किराए के घर के लिए इतना ज्यादा डिपॉजिट देना पड़ता है। एक्चुअली मुझे एक ऐसा घर पता है जहां मैं डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पहचान वाले का है। तो चलो चलकर देख लेते हैं। अभी चले? हाँ चलो। चलो नमस्ते जी। ये घर है? हाँ, क्या ख्याल है, अंदर चल के देखें? आ गए हैं तो देख लेते हैं, चलो। ये लो बेटा घर की चाबी, घर देख के चाबी मुझे देके जाना। जी। ये क्या है अंबर? देखना लाइट वाइट ऑन करना। अरे यहाँ पे लाइट ही नहीं है। ये तो पूरा खंडर है अंबर, यहाँ कोई रह कैसे सकता है? बिना डिपॉजिट किससे बेटर नहीं मिलेगा नियति। अरे लेकिन यहाँ पर कितना कुछ काम कराना पड़ेगा तुम्हें पता है? नियति तो करा लेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? उस हिसाब से तो ठीक ही है। अरे ध्यान से चलो, कोई नहीं, इसी घर को हम अच्छे से साफ सफाई कर देंगे और पर्दे वर्दे लगा देंगे, सेट कर देंगे, पेंट वेंट करा देंगे तो डिसेंट लगने लगेगा, नहीं? हाँ, बेसिक फर्नीचर भी डालना पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले सफाई करनी पड़ेगी।
अंबर, मैं पहले ऑफिस हुआ आती हूँ, उसके बाद ये सब करेंगे। बहुत दिनों से छुट्टियाँ कर रही हूँ, और पता है मैंने ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं बताया अभी तक। वो लोग भी सोचेंगे नियति का प्रमोशन क्या हो गया, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कोई नहीं सोचेगा नियति, दुबे जी का फोन आया था, मैंने बता दिया उन्हें। फोन आया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कह रहे थे कि नियति से कहो जल्दी से ऑफिस आ जाए, नहीं तो बात उनके हाथ से निकल जाएगी। He is right. अंबर, तुमको मुझे उसी टाइम बताना चाहिए था, मेरी बात करवानी चाहिए थी। नियति, उस समय मेरी प्रायोरिटी ये थी ना। ठीक कह रहे हो अंबर, तुम भी तो इतने दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई फोन नहीं आया? हाँ, आज ही आया था वो रस्तोगी का फोन, कह रहा था नौकरी प्यारी है तो जल्दी से ऑफिस ज्वाइन कर ले, तेरी टेबल पे फाइलों का पहाड़ बन गया है। बॉस के स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि ये सारा काम अंबर ही करेगा। अरे तो अंबर, तुम ऑफिस जाओ, ये सब हम कर लेंगे। हाँ नियति, अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि ये एक ही रूम है और इसमें हमें यहीं पे पार्टीशन डाल के सब कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे कहीं नहाने का बना लेंगे, इधर एक स्लैब डाल के किचन बना लेंगे, और अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? अपनी किस्मत पे हैरान हो रही हूँ। जरूर मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसा पति मिला है, वरना तो अंबर मैं चाह करके भी पापा मम्मी के लिए इतना सब नहीं कर सकती थी। तो फिर मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व करता हूँ ना? ऑब्वियसली। दीदी आप भी बैठ जाइए, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। मॉम डैड कब आएंगे शिविर से? उनके बिना घर सच में बहुत खाली खाली लग रहा है। अरे नियति, वो किराए के घर का क्या हुआ? मकान तो मिल गया है भैया, लेकिन अभी रहने लायक नहीं है। क्यों? अरे अभी उसमें साफ सफाई करानी है, पेंट वेंट कराना है, प्लम्बिंग का काम कराना है, फिर रहने लायक होगा। हाँ, इसके अलावा घर में बेसिक फर्नीचर वगैरह भी लाना होगा, इसलिए तब तक मम्मी और अन्नी को कामिनी चाची के यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। और उस मकान को घर बनाने के लिए भैया काफी खर्चा आ जाएगा, और ये तब तक तो पॉसिबल है नहीं जब तक मेरी सैलरी नहीं आ जाती। नियति, तुम एक कमाने वाली बेटी, अपने माँ बाप पे जितना भी पैसा खर्च करो उतना ही कम है, लेकिन हमारी बात और है, हमें तो एक एक पैसा पूछ कर और मांग कर खर्च करना पड़ता है। और इस घर के रूल्स और रेगुलेशंस तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने कोई रूल तोड़े ही नहीं तो मुझे कोई कुछ कहेगा ही क्यों? तुमने इस घर के कोई रूल्स नहीं तोड़े, मैं बताऊं अभी मैं? हाँ बताइए। वैशाली प्लीज, दीदी मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस में अपना काम करती हूँ, तो उसके अलावा घर में भी अपना पूरा काम करती हूँ। ये सब मैं किसी मजबूरी में आकर नहीं करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा फर्ज है, फर्ज। इस घर की बहू होने के साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा की बेटी भी हूँ, उनके लिए भी मेरा कोई फर्ज बनता है दीदी, और वो मुझे निभाना चाहिए और जरूर निभाऊंगी, क्यों नहीं, चाहे फिर ये बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे। I don't know, माँ के जाती है ये सब क्या शुरू हो गया इस घर में, जिसके जो मुंह में आया बोले जा रहा है, ना बड़े छोटे का लिहाज है ना किसी की फीलिंग्स की कदर। सच कह रहा हूँ, अगर इस तरह ही रहा ना तो ये घर टूट जाएगा एक दिन। घुमा फिरा कर क्यों कह रहे हो अंबर, साफ साफ कह दो ना, घर मैं ही तोड़ रही हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इससे कम भी नहीं कहा। सुनो, मैं बस ये कह रहा था कि आज डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए था। आई नो, लेकिन मैं क्या करती अंबर, तुमने भी सुना था ना कि वैशाली दी कैसे और क्या कह रही थी। अरे समीर भैया ने मुझसे एक बात पूछी और मैंने ऑनेस्टली जवाब दे दिया,
क्योंकि मैं मम्मी पापा के लिए किसी से छुपा कर कुछ नहीं करना चाहती हूँ अंबर। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो उस घर की बेटी भी तो हूँ अंबर। मुझे तो दोनों ही घर के फर्ज निभाना है। और अंबर, वो होती कौन है बीच में बोलने वाली? मुझे अपने ही घर में सोचना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या बोलूं क्या नहीं। फिर भी हम सॉरी, मुझे कोई कितना भी प्रोवोक करे लेकिन मुझे अपनी तमीज नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन अंबर, मैं क्या करूं? पापा को लेकर मैं पहले से बहुत ज्यादा परेशान हूं, और ऊपर से वैशाली दीदी ने ऐसे ताना मारा कि मुझसे रुका नहीं गया। मेरे मुंह से वो सब निकल गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बिलीव मी अंबर, मैंने जानबूझकर वैशाली दी की इंसल्ट नहीं की। मैं कल ही जाकर उनसे सॉरी कह दूंगी। अंबर, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही घर मेरा भी है। मैं अपने ही घर को कैसे टूटने दे सकती हूँ? I know. Sorry. I know तुम इस घर के लिए क्या कर सकती हो, और तुमने बहुत बार प्रूव भी किया है, फिर भी मैंने तुमसे ऐसे बोला। I'm sorry. I love you. I love you too. माफ कर दो मुझे। प्यार में नो इल्जाम, नो माफी। सो जाओ वैशु, मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी बेइज्जती के बाद ना किसी बेशर्म को ही नींद आ सकती है। अरे छोड़ो, तुम भी क्या रखा है इन बातों में। ऋषि, तुम्हारे लिए तो अब मुझ में भी कुछ नहीं रखा है। अरे क्या कुछ भी बोलती जा रही हो तुम? नियति वहां मुझे इतना कुछ बोलती नहीं और तुम्हारे मुझसे एक शब्द नहीं निकला। चुपचाप मुंडी झुकाए सुनते रहा सारी बातें। तुम औरतों के झगड़े में अगर शामिल होता तो बेवकूफ कहलाता मैं। लेकिन वैशाली, जिस तरह से नियति ने तुम्हारे साथ बर्ताव किया है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं उसे क्या कहता? मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अरे नियति से कुछ नहीं बोल सकते थे तो कम से कम उसके पति से तो बात कर सकते थे। कि अपने छोटे भाई से बात करने की भी हिम्मत नहीं है तुम में। ना तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो और ना तुम मुझे जीने देते हो। लेकिन ऋषि, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज जो नियति ने मेरी बेइज्जती की है उसका जवाब तो मैं उसे दे कर रहूंगी, और उसे ऐसा जवाब दूंगी ना कि वह कभी नहीं भूलेगी। तुम देखना।